आइए ब्लाउज की स्टिचिंग बताते हैं। पहले सभी पार्ट को अलग कर लेंगे। हम सिर्फ कटोरी और टेकिंग पार्ट को एक साथ ले लेंगे। इस तरह से ले लेंगे। जो हमारा छोटा वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ आएगा और बड़ा वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाएगा टेकिंग का। इस तरह से सेट कर लेंगे। करके अब इस पर स्टिचिंग लगाएंगे। ये देखिए छोटा वाला पार्ट सामने की तरफ होगा। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लिए। अब इसकी टेकिंग को देंगे। इस तरह से लेकर के हम टेकिंग लगाएंगे। हम टेकिंग को टेम्प्ररी लगा रहे हैं, फिनिशिंग सिलाई बाद में देंगे। दूसरे पार्ट को भी ठीक उसी तरह जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारी कटोरी कितनी अच्छी आई है। अब हम इसके स्पाट को लगाएंगे। इस तरह से स्पाट को रखेंगे और मिला लेंगे। दोनों पार्ट को ठीक तरह से मिला लेंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी हो तो आप मेरे चैनल में लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जा कर के देख लीजिएगा। स्पाट को हम इसी तरह जोड़ लेंगे। हम जो भी सिलाई करेंगे उसमें डबल सिलाई लगा देंगे। ये हमारा इस पार्ट जुड़ गया है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह जोड़ लेंगे। अब इसमें एलिट लगाएंगे, बेल्ट वाले पार्ट को लगाएंगे। इस तरह से मिला करके देखेंगे। अब देखेंगे बेल्ट वाले पार्ट से हमारा ऊपरी वाला हिस्सा कितना बड़ा है। अब उसी के हिसाब से, जितना बड़ा होगा उसी के हिसाब से हम टेकिंग में और भी सिलाई लगा लेंगे तो बराबर में आ जाएगा। इस तरह से दाग लगा करके सिलाई लगा लेंगे। अब फिर से मिला करके देख लेंगे तो ये ठीक आ रहा है। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बराबर में आ रहा है। इस तरह से ले करके हम पीछे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ टेकिंग को क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ करके हम रख लेंगे, नहीं तो दबाव पड़ेगा तो कटोरी नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये हमारा देखिए कटोरी कितना सुंदर आया है। दोनों पार्ट को हमने सिल लिया है। अब हम इसके हुक और आई के पार्ट को लगाएंगे। ये हमारा हुक आई वाला पार्ट है और ये हुक वाला पार्ट है। हुक वाले को हमने 1.5 इंची में रखा है और आई वाले पार्ट को हमने 3 इंची में रखा है। इस तरह से हुक वाले पार्ट को हम थोड़ा सा फोल्ड करके, 2 फुट फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम सामने के पार्ट को इस तरह से नाप के देख लेंगे दोनों पार्ट बराबर में आया है कि नहीं। पहले हम हुक और आई के पार्ट को लगाने के पहले ही हम नाप के देख लेंगे। अब हम हुक वाले पार्ट को लगाएंगे। इस तरह से एक पैर की दूरी पे सिलाई देंगे। इस तरह से एक जॉइंट के वहाँ, हम कटोरी का जॉइंट जहाँ है वहाँ हम एक प्लीट डाल देंगे, हल्की सी प्लीट डाल देंगे। इससे हमारा पट्टी बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये हो गया, हम इस पर चाप सिलाई लगा देंगे। ये हमारा हुक वाला पार्ट हो गया। अब हम आई वाले पार्ट को सिलेंगे। आई वाले पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके इस पर सिलाई लगाएंगे। हुक वाले पार्ट को सीधे सीधी तरफ रख के सिलाई लगाएंगे और आई वाले पार्ट को उल्टी तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। इस पर भी चाप सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की दूरी से। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
जो बीच में हमारा आई का घाट होगा। ये हमारा हो गया। अब हम इसके जो साइड जॉइंट लगाएंगे, इस तरह से हो गया। अब हम इसको बैक पार्ट के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हम टेकिंग लगाएंगे। इस तरह से कट लगा के टेकिंग लगा लेंगे, दोनों तरफ ही टेकिंग लगा लेंगे। अब हम सामने वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से उल्टा करके इसको सीधा रखेंगे और बैक वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे। रख करके हम इसमें साइड में एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से दोनों तरफ ही जोड़ लेंगे। अब हम कमर में पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ। तो ये हमने पट्टी का कपड़ा ले लिया, इसको जोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ये हमने जोड़ लिया है। अब किनारे से थोड़ा सा मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम पट्टी को लगाएंगे। इस तरह से हम हुक वाले पार्ट को मोड़ लेंगे। मोड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ पट्टी को रखते हुए एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम जॉइंट में कुछ भी नहीं करेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे। लेकिन हमने जहाँ टेकिंग दिया था वहाँ पर हम एक चुन्नट दे देंगे। दो टेकिंग बैक पार्ट में है, दोनों टेकिंग में हम प्लीट डाल देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लिए। हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है काट लेंगे। अब हम इस पर एक चाप सिलाई लगा देंगे, इस तरह से फोल्ड करके इस पर चाप सिलाई लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके नाखून से दबा करके मिडिल में इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा बंद हो जाएगा, जिससे कि जो धागा निकलता है वो धागा नहीं निकलेगा। इस तरह से हम इसी के साथ शोल्डर को भी जोड़ लेंगे। अब हम टेप से नापेंगे इसको, डबल में है कितना है। यहाँ जहाँ जो आएगा, हमारा कमर 38 इंच पे है तो 38 का आधा हुआ 19 इंच, तो यहाँ है 21 इंच। 21 को हम 19 निकाल करके 3 बचा, 3 में हम 1.5 इंच इधर की तरफ से लेंगे, 1.5 इंच उधर की तरफ से लेंगे। तो 1.5 इंच पे दाग लगा देंगे और दाग लगा के सिलाई लगा देंगे। नीचे भी 1.5 इंच लगाएंगे, ऊपर भी 1.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरफ से भी 1.5 इंच पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने में ब्लाउज बहुत फिटिंग्स आती है, कोई दिक्कत नहीं होता है ब्लाउज में। इस तरह से हम नापेंगे एक तरफ, तो हमारा 10 इंच आ रहा है, ठीक है। कि इनका चेस्ट है 40 इंच, इस तरफ भी 10 इंच ही आ रहा है। अब हमारा कमर थोड़ा लूज है, हम यहाँ डबल सिलाई लगा लेंगे। हम 2-3 सिलाई यहाँ लगा करके दे देंगे। अब हम स्लीव को तैयार करेंगे, स्लीव लगाएंगे। यह हमारा स्लीव है, हमने साड़ी के पार को काट के रखा था। इस तरह से इस पर अटैच करेंगे।
अब यहाँ भी फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेंगे। हम इसको छाट लेंगे। अब हम स्लीव में पट्टी लगाएंगे। हमने पट्टी जो तैयार करके रखा था, हमने कमर में जो पट्टी लगाई थी, यहाँ स्लीव में भी इसी तरह से पट्टी लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसमें तुरपाई होगी। इस तरह से मोड़ करके हम बराबर में फोल्ड करके एक ऐसी सिलाई लगा देंगे। अब इनकी मुहरी है 11 इंच। हम 5.5 इंच पे मुहरी पे दाग लगाए हैं। यहाँ 8 इंच पे दाग लगाए हैं। इस तरह से दाग लगा करके सिलाई लगा लेंगे। इसको बराबर में छाट लेंगे। अब हमने बाज स्लीव को सीधा कर लिया है। अब हम इसको लगाएंगे। इस तरह से ले लेंगे। जो हमारा डीप शेप है, स्लीव का डीप शेप है, उसको हम सामने की तरफ देंगे, जिस तरफ पड़ेगा। ये स्लीव का डीप शेप है। हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ देंगे स्लीव के। इस तरह से मिला लेंगे तो ठीक आया है। अब हम इस सिलाई से क्या करेंगे, दो सूत आगे की तरफ रख करके हम इस पे सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ करके इस तरह से फोल्ड करके हम कोन को मोड़ लेंगे। इससे फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। दूसरे स्लीव को भी लगा लेंगे। ये हमारा दोनों स्लीव लग गया है। अब हम गले में पट्टी को लगाएंगे। हमने तिरछा पट्टी जोड़ के रखा हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल करके सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमारा गले का राउंड है, वहाँ हम एक प्लीट डालेंगे। इस तरह से अब पूरा सीधे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। पीछे की तरफ, राउंड की तरफ हम एक और प्लीट डालेंगे यहाँ पर। इस तरह से यहाँ भी हम एक प्लीट डालेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको नया देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम गले में कट लगा देंगे। अब हम इस पे चाप सिलाई लगा लेंगे।
अब हम इसको क्या करेंगे, कंधे में शोल्डर हुक देंगे, तो कंधे में शोल्डर हुक का बेल्ट बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ जो हमारा जॉइंट है वहाँ हम अटैच कर देंगे, वहाँ एक बटन दे देने से फिनिशिंग आ रही है। देखिए हमारा ब्लाउज कितना फिनिशिंग के साथ आया है, ये देखिए।